सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल मैनी क्रिएटिव आइडियाज़ को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट क्रिएटिव वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारे चैनल मैनी क्रिएटिव आइडियाज। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि घर पर साइकिल के लिए स्पीडोमीटर कैसे बनाते हैं। तो जानने के लिए मेरी इस वीडियो को शुरू से लास्ट तक पूरा देखते रहिए और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, स्पीडोमीटर बनाने के लिए सबसे पहले आपको एक कैलकुलेटर चाहिए, एक लोहे की पत्ती चाहिए, आपको कुछ नट बोल्ट चाहिए, एक स्प्रिंग चाहिए और कुछ वायर चाहिए। तो दोस्तों, सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको दोस्तों कैलकुलेटर लेना है और उसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यह जो इक्वल वाला बटन दिख रहा है इसके पीछे दोस्तों आपको दो वायर ज्वाइंट करने हैं। देखिए, मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि दोस्तों, यह मैंने कैलकुलेटर ओपन किया, उसके बाद दोस्तों यह वाला इक्वल वाला बटन है, तो यहाँ पर दोस्तों ये आपको निशान दिख रहे हैं। देखिए दोस्तों, एक ये वाला और एक ये, यहाँ पर दोस्तों हमको वायर ज्वाइंट करनी है, इनमें वायर कनेक्ट करनी है, एक इस वाले पॉइंट में, एक इस वाले पॉइंट में। तो दोस्तों जल्दी से मैं इसमें वायर कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर उसके आगे के स्टेप में आपको बताता हूँ। देखिए दोस्तों, ये मैंने दोनों वायर इस इक्वल वाले बटन के पीछे मैंने सोल्डर कर दिए हैं। अब देखिए दोस्तों, मैं इसे चेक करता हूँ कि ये सही तरीके से सोल्डर हो चुके हैं या नहीं। तो दोस्तों, अब आपको क्या करना है, आपको दबाना है सबसे पहले 1+1, फिर आपको इक्वल का बटन दबाना। तो देखिए 2। अब देखिए, आप इस वायर से चेक करिए, जैसे देखिए आप इन वायर को टच करेंगे तो देखिए नंबर आगे बढ़ेंगे, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। तो दोस्तों, अगर आपका ऐसा सर्किट इस तरीके से काम कर रहा है तो मतलब आपके ये वायर बिल्कुल सही तरीके से जुड़ चुके हैं। अब आपको क्या करना है कि आपको इनमें से एक वायर आपको अपनी साइकिल पर अटैच करना है, कनेक्ट कर देना है कहीं भी। देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर का एक वायर मैंने साइकिल के बोल्ट से कनेक्ट कर दिया है। वैसे दोस्तों, यह मुझे हैंडल के पास कनेक्ट करना था, लेकिन मैंने अभी आपको दिखाने के लिए साइकिल के नीचे वाले बोल्ट पर कनेक्ट कर दिया है, बाद में मैं इसे ऊपर की तरफ फिक्स कर दूंगा। अब आपको क्या करना है, आपको इस वाली रॉड पर यहाँ पर आपको टेप लगाना है और उसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ये पत्ती लगा देनी है लोहे वाली, जिसे आपको बोल्ट की मदद से कस देना है। और उसमें दोस्तों आपको यह वाला वायर, इसमें इस पत्ती में आपको यह वाला वायर कनेक्ट कर देना है। ध्यान रहे दोस्तों, आप यहाँ पर टेप लगाना मत भूलिएगा। यहाँ पर दोस्तों आपको टेप लगाना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर टेप लगा दीजिएगा, उसके बाद ये पत्ती लगा दीजिए जिसमें आपको ये वायर कनेक्ट करना है। तो मैं इसे जल्दी से फिक्स कर लेता हूँ। देखिए दोस्तों, कैलकुलेटर का दूसरा वायर मैंने यहाँ पर लोहे की पत्ती लगाकर उसमें फिक्स कर दिया है। उसके बाद दोस्तों मैंने यहाँ पर एक स्प्रिंग लगाई है ताकि जब भी हम टायर को घुमाएं तो स्प्रिंग इस लोहे की पत्ती से टच हो। अब दोस्तों आपको अपना टायर नापना है कि ये चक्कर में कितने मीटर चलता है। तो दोस्तों, हमारी साइकिल का टायर एक चक्कर में 2 मीटर चलता है, तो इसलिए मैं यहाँ पर 2 करूँगा, फिर प्लस, फिर 2, फिर इक्वल। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर शुरू में 4 आ गया। अब दोस्तों जब भी हम इसमें चक्कर लगाएंगे टायर में, तो देखिए यहाँ पर गिनती आगे बढ़ेगी, 6, 8, 10, 12, 14, 16। इसी प्रकार दोस्तों देखिए 18, 20। अब देखिए दोस्तों क्या होगा कि यह 20 मीटर आ गया है। अब दोस्तों आपको केवल इसमें से शुरू वाले मीटर घटा देने हैं। जैसे कि शुरू में दोस्तों 4 मीटर थे, तो वो 4 मीटर हम घटा देंगे, तो इस प्रकार दोस्तों 16 मीटर बचेगा। तो दोस्तों हमारी यह साइकिल 16 मीटर चल चुकी है। दोस्तों इससे एकदम करेक्ट वैल्यू तो नहीं आएगी, लेकिन दोस्तों यह काम चलाने के लिए ठीक है। तो दोस्तों, अगर आपको मेरी यह वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिएगा और मेरी वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।